खाते होंगे, लेकिन एक बात बताने, बात 2011 और 12 की है, उस वक्त किन्नर कमला बुआ जो है अपदस्थ हो गई थी, उनका निर्वाचन सुन्न हो गया था, लेकिन एक ईटीबी में पट्टी चली, उस पट्टी में माला वृंदावन का नाम आया था, उस वक्त महापौर के लिए नाम आया था, और तब से ये मेहनत करते रहे, और गोपाल भार्गव से उस वक्त मुखातिब हुए थे कि हम साहब महापौर बन गए, तो गोपाल भार्गव ने वृंदावन की पीठ पर हाथ रखकर कहा था कि बिना गोपाल के कैसे वृंदावन, लेकिन आज हम मुखातिब होंगे कि गोपाल के वृंदावन, भूपेंद्र सिंह के वृंदावन और शैलेंद्र जैन के वृंदावन और भारतीय जनता पार्टी के वृंदावन, तो आज भाजपा के वृंदावन बन के आए हो नगर निगम अध्यक्ष के लिए। सर्वप्रथम जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व है उनने हम पर जो विश्वास जताया है, मैं उनके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही हमारा जो जिले का संगठन है, ऐसे हमारे सम्मानीय जिले के अध्यक्ष सम्मानीय गौरव सरोठिया जी का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री, जिनके ऊपर पूरे मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय की जवाबदारी थी, उनने ऐतिहासिक मतों से मध्य प्रदेश में जिताया, और सागर में भी जो नेतृत्व में उनके हुआ है उसके लिए मैं सम्माननीय हमारे मंत्री भूपेंद्र जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही हम सबके वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री पंडित गोपाल भार्गव जी, दूसरे हमारे एक और मंत्री राजस्व एवं परिवहन मंत्री सम्मानीय श्री गोविंद सिंह जी के लिए मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही नगर निगम के हमारे लोकप्रिय विधायक, जन जन तक जिनके घर घर नाता है, ऐसे हमारे सम्मानीय विधायक जी, सम्मानीय हमारी नगर की प्रथम नागरिक सम्मानीय महापौर जी का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को पार्टी ने आज नगर निगम का अध्यक्ष बनाया। जो पार्टी कहती है वो करती है, पार्टी में आगे पीछे सबको मिलता है, और पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास जताया है उसके लिए मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी संगठन हमारे वरिष्ठ नेताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप हमारे ये एससी वर्ग को ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि वो अब भाजपा है जो अब पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की मदद करने और उनको ताज और तख्त देने का काम कर रही, राष्ट्र दिल्ली से लेके सागर तक ये संदेश है। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आज अगर आप कोई भी योजना उठा लें, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे संबल योजना हो, उसमें अगर सबसे पहला लाभ कोई लेता है तो अनुसूचित जाति वर्ग, उसके बाद हमारा आदिवासी वर्ग, उसके बाद हमारा पिछड़ा वर्ग। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भी दिखाया और आज नगर निगम के चुनाव में भी दिखाया। और अनुसूचित जाति वर्ग पिछले 4-5 चुनाव से आप देखते होंगे कि अभी महापौर के चुनाव में 75% मतदान किया, सम्मानी हमारे विधायक जी के चुनाव में हम 10 में से 9 बार जीते, लोकसभा के हम 10 के 10 बार जीते। तो आज अनुसूचित जाति वर्ग के साथ जो कांग्रेस पार्टी ने वर्षों तक धोखा दिया है उसका हम लोग बदला ले रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आप किसी गरीब के घर में अगर चले जाएं और उसका पक्का मकान है तो आप जब उससे वोट मांगने जाएंगे तो उसके आंखों में आंसू आ जाते और उसके साथ हमारे लिए भी आ जाते हैं कि जब वो कहता है कि हम इसके पहले पानी टपकते में बैठते थे, आज हम स्वतंत्रता से सो रहे हैं। जैसा नाम है वृंदावन, करोगे वृंदावन सागर के लिए? बिल्कुल, पिछले स्वच्छता अभियान में हमने देखा है कि बहुत मेहनत के बाद हम 22वें नंबर पर आए थे। हमारे सम्माननीय महापौर जी, सम्माननीय विधायक जी और सम्माननीय हमारे मंत्रीगण के सहयोग से सागर को स्वच्छता के मामले में नंबर 1 बनाएंगे। तो जैसा भूपेंद्र जी ने कहा है कि कोई भी घर बिना कुटीर का नहीं रहेगा, हर व्यक्ति को उसका जो अधिकार है वो भारतीय जनता पार्टी और हम लोग मिलकर साथ मिलकर काम करेंगे, उस शहर को स्वच्छता के मामले में नंबर 1 बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलें भैया, ये वृंदावन अहमदाबाद है कि हम जैसा नाम है वैसा हम
सागर को, यानी सागर को हम वृंदावन बनाने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली से ये लाइन चली है कि आदिवासी को ताज और तख्त मिले, यही कोशिश भाजपा की रही है। और आज अमूमन सागर में जो तस्वीर देखने को मिली, वहाँ लगा कि दलित कार्ड खेलकर 2023 के लिए एक मुकम्मल प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने वृंदावन अहवार के तौर पर किया। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, सागर।